वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की छवि एक लोकप्रिय नेता के रूप में है। छत्तीसगढ़ की कमान हाथ में लेने के बाद उन्होंने कई आकर्षक नामों के साथ योजनाएं धरातल पर उतारी, खासकर किसानों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, महिलाओं को लेकर और उनके युवाओं के उत्थान को लेकर। उनके प्रयास सार्थक रहे। एक समय छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की तलाश कर रही कांग्रेस को उन्होंने मजबूत आधार दिया है। ये उनका ही करिश्मा है कि छत्तीसगढ़ को आज कांग्रेस अपने मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। 80 के दशक से शुरू हुआ उनका सियासी सफर आज इस मुकाम पर है कि वे कांग्रेस के लिए सबसे विश्वस्त और प्रभावी नेताओं में जाने जाते हैं। यहां तक कि कई बातों को लेकर विपक्ष भी उनकी प्रशंसा करता है। आजकल सबसे ज्यादा अगर चर्चा होती है तो उनकी योजनाओं की होती है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में कई सवालों के साथ उनसे रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। सीएम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी नमस्कार। सीएम साहब, वैसे तो आपको आजकल दाऊ और काका भी कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा आजकल चलन में भी है, तो आज हम आपको दाऊ कहकर ही संबोधित कर लें तो कैसा रहेगा, क्योंकि दाऊ बड़ा अब ज्यादा अच्छा है। माता पिता ने भूपेश नाम दिया तो आप उसी नाम से पुकारें, ज्यादा अच्छा लगेगा। जी आप वैसे कुछ भी पुकार लें, सम्मान से जो भी नाम दे दें, लेकिन नहीं नहीं आपको आजकल लोग दाऊ और काका बहुत ज्यादा चाहते हैं आपको लोग आपके। लेकिन हम बहुत सारी बात कर रहे थे आज, क्योंकि आप जुड़े हैं तो कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। 60% से ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ के अंदर है और समय समय पर आप ट्रैक्टर चलाते भी दिखते हैं। किसानों को लेकर आपका जो प्रेम है वो लगातार सामने आता है। उनके लिए जो योजनाएं हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे, और क्या वास्तव में जब किसानों की समस्याएं दूर होगी तो जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी? बिल्कुल सही बात आपने कहा, ये प्रदेश है वो किसानों का प्रदेश है और यहाँ अधिकांश लोग हैं वो कृषि पे ही उनका आधार है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। तो इनको केंद्र में रख के सारी योजनाएं हमने बनाई। पहले बात तो ऋण माफी हमने किया, करीब 9,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया किसानों का। उसके बाद जो धान की कीमत है वो 2500 रुपया देने का हमने फैसला किया। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया तो उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की और उस योजना के तहत अभी किसानों को जो कीमत मिलेगा वो 2640 रुपया, मतलब देश या दुनिया में कहीं इतनी कीमत है नहीं है जो छत्तीसगढ़ में है। और इसी कारण से कृषि जो पहले घाटे का धंधा था अब वो लाभ का धंधा हो गया। और आंकड़े मैं आपको बताऊं जी तो आपको आश्चर्य होगा, 2017 में हमारी सरकार बनने के एक साल पहले तक के 12 लाख किसान ही रजिस्टर्ड थे जो धान बेचते थे और वो करीब 55-60 लाख मीट्रिक टन धान बेचते थे। आज किसानों की संख्या 23 लाख हो गई, लगभग दुगुना। धान का उत्पादन लगभग दुगुना, 107 लाख मीट्रिक टन, 55 से 107। उसी प्रकार किसी रकबा है वो 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर। तो रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि और उसके उत्पादन में वृद्धि। इसका मतलब यह है कृषि अब लाभ का धंधा हो गया है। उसी प्रकार से गोपालन है, जब से हमने गोबर खरीदना शुरू किया है तो कृषि से जुड़ा हुआ गोपालन। पहले आवारा पशु की शिकायत मिलती थी, अब वो शिकायतें नहीं है, फसल चराई की शिकायतें उतनी नहीं मिलती। और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा और उसके कारण से करीब 3.5 लाख लोग हैं आज गोबर बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। दूसरा उसी से जो गोबर से वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, उससे प्राकृतिक पेंट हम बना रहे हैं जी। तो उसके कारण से 166 लाख 1,66,000 महिलाएं उसमें सीधा सीधा रोजगार पा रही हैं। तो गोपालन से, कृषि से और जो भूमि श्रमिक है उसके लिए भी हमने न्याय योजना लागू की है। 7,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं, देश में कहीं नहीं दिया जा रहा है। तो हर वर्ग को हम पैसा दे रहे हैं। हमारे जंगल भी है तो 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीदे हैं। पूरे देश का 74% लघु अनुपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। तो चाहे वो जंगल में रहने वाले हैं हमारे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। और इसी कारण से हमारे प्रदेश में
आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं, आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं है। पर सीएम साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि किसानी, जो किसान है, किसान को लेकर जो आपका प्रेम है वो लगातार झलकता रहा है, तो क्योंकि आप खुद एक किसान नेता के रूप में वहां पर अब जाने जाते हैं, तो किसानों को लेकर क्या कुछ और योजनाएं भी आप लेके आ रहे हैं? भाई देखिए, एक तो कृषि में जो मिलेट्स है जी, मिलेट्स के भी समर्थन मूल्य, हमने कोदो कुटकी समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित नहीं किया था, हमने किया। हाँ। और उसी खरीदी की व्यवस्था की, समर्थन मूल्य में घोषित भी किया, समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदी की व्यवस्था की, और उसके कारण से मिलेट्स की जो रकबा है उसमें वृद्धि हुई, जो 60,000 हेक्टेयर तक हो रहा था आज 1,90,000 हेक्टेयर हो गया। और मिलेट्स प्लांट हमने डाला जो देश का सबसे बड़ा है, उसमें 22 प्रकार के प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो कोशिश यही है। अच्छा, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हमने लागू की है, जिसमें 36,000 हेक्टेयर इस साल लगाने का निर्धारण किया है। जो आदमी, जो किसान यदि धान की खेती छोड़ के यदि वृक्ष अपने खेतों में वृक्षारोपण करेगा तो 3 साल तक के 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको देंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए जो किए हैं। और इस साल हमने फैसला किया है कि धान प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदते थे, इस साल 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदेंगे, ये फैसला हमने किया है। ये लगातार चल रहा है। अच्छा सीएम साहब, एक और लगातार बात होती है जो जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा भी होती है, जो वेस्ट है वो बेस्ट हो सकता है, आपने ये वहां पर सिद्ध करके दिखाया, ये ख्याल कैसे आया और ये क्या योजना है? ये देखिए, जो गोबर खरीदी हमने योजना शुरू की गौठान, तो गांव गांव में हमने, जैसे गौशाला बनाने की बात करते हैं जी, हमने गौठान बनाया, गौठान में डे केयर के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं, जितने भी मवेशी है गाँव के उसके एक स्थल, हम 5-10 एकड़ जमीन उसको सुरक्षित किया और उसको वहां पे पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, ये घेरा है वो हमने किया, चारा की व्यवस्था, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं। और हमारे 11,000 पंचायत में से 10,000 पंचायतों में बन चुका है और वहाँ करीब 112 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो गांव गांव में हो चाहे शहरों में हो, वो गोबर से सड़कों में गंदगी फैली रहती थी, बदबू उड़ता था, मच्छर पनपते थे, आज वो बात नहीं है। और उससे हम 2 रुपये किलो में खरीद रहे हैं 112 क्विंटल, 112 लाख क्विंटल। इसका मतलब यह है कि 224 करोड़ रुपया सीधा जो गोबर विक्रेता उसके खाते में चला गया है इन 2 सालों जी। और उसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसके कारण से भी उतने ही पैसा हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले के लिए लगभग 450 करोड़ का व्यापार खड़ा कर दिया हमने। और अब तो प्राकृतिक पेंट बन रहा है, 50,000 लीटर से ऊपर हमारा प्राकृतिक पेंट बन चुका है। अब उसे स्कूलों के पोताई उसी से पेंट से, जो बाजार में जो पेंट मिलता है उससे करीब 25-30% कम रेट में हम उसको विक्रय कर रहे हैं। तो विक्रय भी हो रहा है, जितने शासकीय हमारे भवन है उसकी पोताई उसे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। तो ये जो चीज है, कचरा से भी हम लोग पैसा कमाने के बाद, गोबर से पैसा कमाने के बाद, केवल छत्तीसगढ़ में। एक लगातार ये कहा जा रहा था कि जहां मुख्यमंत्रियों को समय नहीं मिल पाता जन संवाद का, जनता के बीच जाने का, तो ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार आपने कार्यक्रम चलाया, भेंट कार्यक्रम, मुलाकात कार्यक्रम, लगभग 75% से ज्यादा लोगों से आप अभी तक मिल चुके हैं, आपको क्या लगता है कि जन संवाद, जो जनता के साथ एक मुख्यमंत्री का संवाद होना चाहिए, वो कितना जरूरी है? देखिए, यदि आप काम किए हैं, जनता के हित में फैसले लिए हैं और उसको लागू किए हैं, तो आपको जनता से संवाद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज 4 मई है, आज से ठीक 1 साल पहले मैं इसकी शुरुआत किया था जी, और अभी तक के करीब 80 विधानसभा हम लोग कंप्लीट कर लें, 10 विधानसभा करीब बचा है, 10-12 विधानसभा बचा है, ज्यादा बचा नहीं है। तो इसको 1 साल आज पूरा हो रहा है और 1 साल में ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि जनता इंतजार करती कि हमारे विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी कब आ रहे हैं, क्योंकि जनता से सीधा सवाल संवाद होता है, बच्चों से, स्कूल के बच्चों से, हितग्राहियों से, जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं और उनसे फीडबैक भी लेते हैं, योजना का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या कहीं अड़चन हो रही है तो वो भी बताते हैं, उसको भी दूर करने का काम हम लोग करते हैं, नई डिमांड भी आती है उसको भी हम लोग पूरा करते हैं।
तो ये एक ऐसी योजना भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधा संवाद, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है इन 4.5 सालों में उसको लेकर जनता के बीच जा रहा है जी। सीएम साहब, आपकी कुछ योजनाएं जो नाम है ना, वो बड़े आकर्षक नाम है। जैसे मैं देख रहा था, जी। दाई दादी क्लिनिक, गढ़वा नरवा योजनाएं, तो ये सब जो नाम आते हैं, ये कितना आपको जो लोग हैं उनसे सीधे जुड़ने में उस योजना से कामयाब हो सकते हैं? जैसे हम लोग शहर में मेडिकल मोबाइल यूनिट हम स्लम एरिया में भेजते हैं, वार्डो में भेजते हैं, गांव में हाट बाजार क्लिनिक योजना है, जो बाजार है उसमें गाड़ी जाती है, नीली गाड़ी, उसमें डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होते हैं, जांच के उसके मशीनें भी हैं और साथ ही दवाइयां भी जी। तो शहरी क्षेत्रों में हम लोग दाई दीदी क्लिनिक योजना, दाई मतलब माँ जी और दीदी मतलब दीदी सभी जानते हैं, ये केवल महिलाओं के लिए है, उसमें स्टाफ है वो सारे महिलाएं होंगी और उसमें केवल महिलाओं का ही इलाज होगा। तो बहुत सारी ऐसे महिलाएं संकोच करती हैं कि बीमारी बताने में संकोच करती हैं, यदि मेल यदि डॉक्टर होगा या वार्ड बॉय होगा उसके सामने बहुत सारी बातें वो बताने में झिझकती हैं, तो ये जो गाड़ी भेज रहे हैं तो उसके माध्यम से महिलाएं बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, उसका लाभ उठा रही हैं। तो ये हो गया। दूसरा, हमने एक नारा दिया था छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जी। तो नरवा से मतलब है नाला से, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 30,000 नाले हैं जिसमें से 12,000 नाले हम लोग वाटर रिचार्जिंग कर चुके हैं, करीब 1 करोड़ से अधिक स्ट्रक्चर हम लोग छोटे बड़े बनाए हैं, पानी डुबान भी नहीं आ रहा है और वाटर रिचार्जिंग भी हो रहा है और जिसमें सतही जल भी मिल रहा है और भूमिगत जल भी मिल रहा है, तो इसका बड़ा लाभ सिंचाई के क्षेत्र में और उसे जंगल क्षेत्र में हम बनाए हैं, तो हमारे वनों में हरियाली भी आई है, इकोसिस्टम भी ठीक हो रहा है क्योंकि वहाँ मधुमक्खी भी आ रहे हैं, दूसरे जो वन्य पशु है उसमें वृद्धि हो रही है और कृषि में भी इसका सुधार हो रहा है, जल भी शुद्ध मिलने लगा है। और जो गरवा है जिसके बारे में मैंने बताया कि पशुधन है, गरवा मतलब पशुधन से संबंधित है, तो उसके देखभाल हमको करना है, वो कृषि से किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। और घुरुआ मतलब ये हमारे कंपोस्ट वगैरह जितने भी कचरे हैं उसका हम कंपोस्ट बनाए, खाद बनाए और प्रकृति से जो चीज ले रहे हैं उसको वापस हम खेतों में कार्बन के रूप में डालें, ये कार्बन को मतलब जला के वातावरण में डालें। दिल्ली में तो पराली जलाने से कितना दिल्ली पूरा धुआं धुआं हो जाता है अक्टूबर महीने, अक्टूबर नवंबर में, तो पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये जरूरी है। और बाड़ी मतलब हमारे घरों के अंदर में जो किचन गार्डन है उसको हम बनाए ताकि हमारे बच्चे कुपोषित मत हो, हर प्रकार के फल सब्जी उनको मिले, तो इस प्रकार से ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है और इससे इसको लोगों ने बड़ा सराहा और विभिन्न यूनिवर्सिटी में भी इसकी चर्चा हो रही है, देश में विदेश में इसकी चर्चा हो रही है कि आज ग्लोबल वार्मिंग से लोग जूझ रहे हैं और ऐसे समय में ये जो योजना है वो समाधान की दिशा में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जी। एक लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आदिवासी की बात होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम आता है, वो आदिवासी जहाँ वास्तविक भारत बसता है, अगर आपको ग्रामीण भारत की असली छवि देखनी है तो आदिवासियों में बसती है ऐसा कहा जाता है, उन्हें लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं और उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आदिवासी हमारे आदिवासियों के साथ आदि संस्कृति भी है जी, उसके जो जीवन शैली है, उसके खान पान है, उसके रहन सहन है, उसके तीज त्योहार है, वो प्रकृति के साथ जुड़े हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो तीज त्योहार हैं उसको सहेजना, संवारना, संवर्धित करना, उसके डिजिटाइजेशन करना, वो सब काम हम लोग हमारी सरकार में, जैसे देवगुड़ी है, गोटूल है, उसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं, साथ ही उनके जो आदिवासी नृत्य महोत्सव है, विश्व आदिवासी दिवस में छुट्टी देने की बात है, उसके उनके बच्चों को आधुनिकता के साथ साथ परंपरा से जोड़ के रखना, उनकी बोली भाषा है उसको सहेज के रखना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, तो उससे आदिवासी और खासकर वो जंगल को बचाने में आज जंगल जो बचा है वो आदिवासियों के कारण से बचा है जी, और इसके कारण से आज उनके जंगलों में हम फलदार वृक्ष लगा रहे हैं ताकि उसकी अर्थव्यवस्था भी सुधरे और उससे वो पलायन न करें, वहीं रहें और विकास के लिए आधुनिकता से भी जुड़ें लेकिन परंपरा को न छोड़ें।
जी ये इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सीएम साहब, एक चीज और है, लगातार कहा जा रहा है कि जो आपकी योजनाएं हैं वो कांग्रेस के अधिकतर जब घोषणा पत्र बनते हैं दूसरे प्रदेशों में भी, वहां पर उनकी झलक दिखती है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी योजनाएं हैं, जो न्याय की योजनाएं हैं, उनसे जो चुनाव है उसे जीतने में बड़ी मदद मिलती है, या वो एकदम जीतने का कारगर हथियार है? जी देखिए, कांग्रेस है हमेशा जनता के लिए लड़ती रही है, जनता के लिए योजनाएं बनाती रही है। जनता शासन में जब भी आए हम लोगों ने उसे कार्य कम दिए हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा अधिकार देने का काम, अधिकार संपन्न बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही है। और गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात उन्होंने कही है, तो ग्राम गांव को ही हम लोग आधारभूत मानते हुए उनके आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, ताकि वही पैसा शहरों में आता है, व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। तो क्रय शक्ति लोगों को बढ़ाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और इसको लेके आगे बढ़े तो बहुत सारे प्रदेश में जहाँ हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ सफल मॉडल है, उसको लेके अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। तो ये तो कांग्रेस की देन है, ये भूपेश बघेल की देन तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस योजना के इन कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में हम लोग गए और सफलता मिले और सफलतापूर्वक उसको क्रियान्वयन किए हैं, तो दूसरे राज्यों में उसकी चर्चा होती है और जनता भी कहती है कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जी तो हमारे मुझे तो खुशी होती है इस बात को लेकर। अच्छा सीएम साहब, लगातार आप गढ़वो छत्तीसगढ़ की बात भी करते हैं, आप किसानों के बीच में जाकर ट्रैक्टर भी चलाते हैं, आप लगातार जनसंवाद में जाते हैं, आप मुलाकात भी करते हैं और आप कार्य भी लगातार करते रहते हैं, इतनी सारी ऊर्जा का जो स्रोत है वो कहाँ से आता है? वो जनता से मिलती है, काम करते रहो, प्रशंसा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है बड़े बुजुर्गों का, आप जैसे मित्रों का समर्थन और सहयोग और दुआएं मिलती है, तो ताकत वहीं से मिलती है, जनता से। जनता है आपकी ऊर्जा। जी जी, नंद कुमार साय एक बड़ा आदिवासी नाम है, वो भी कांग्रेस के अंदर आए हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव में बड़ा, कितना बड़ा फायदा उनसे मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 5 बार के सांसद रहे, 3 बार के विधायक रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, और ऐसे में उसको बिल्कुल नेपथ्य में डाल दिया गया। लेकिन इन 4-4.5 सालों में जो हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में जो काम किया है उससे वो प्रभावित हुए और उसके कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका कि वो जो आदिवासी विरोधी चेहरा है वो सामने आ गया है। जी, एक और सवाल ले रहा हूँ आपसे, उसके बाद फिर अंतिम सवाल लूंगा। बोराबासी खाना, श्रमिकों के खाने की बात होती थी, आज पूरे भारत के दिल में बसा, ख्याल कहाँ से आया सीएम साहब को उस चीज? देखिए, ये है कि आप आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिति से सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान जागृत होना चाहिए, स्वाभिमान के साथ जिए। स्वाभिमान जो हमारे जो रहन सहन है, खान पान है, उससे तो बनेगा। कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को हीन भावना से देखा जाता था, ये बासी खाने वाले लोग हैं, तो हमने उसको स्वाभिमान से जोड़ा कि हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो 12 महीने बोरे बासी खाते हैं, जो चावल को पानी में डुबा लेते हैं और फिर दही या मट्ठा उसके साथ उसको ग्रहण करते हैं, सब्जियां भी होती है, अचार भी होते हैं, उसके साथ ग्रहण करते हैं। तो हमने मजदूर दिवस के दिन बोरे बासी त्यौहार का भी आयोजन किया था, तो उससे निश्चित रूप से स्वाभिमान बढ़ता ही है। जी सीएम साहब, एक और है, केंद्रीय एजेंसियां भी छत्तीसगढ़ में लगातार डेरा डाले रहती है और लगातार वहां पर कुछ ना कुछ नया एक विवाद चले जाता है, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है या भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है उसे लेकर कहीं किसी को डर है? जी देखिए, ईडी है अपने मूल कार्यों से भटक चुकी है और उनका काम यह है कि जहां मनी लॉन्ड्रिंग हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ जब से लोकसभा की चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद से ये लोग यहाँ डेरा डाले हैं, कभी आईटी, कभी ईडी, कभी डीआरआई, तो कभी कुछ से इंटेलिजेंसी यहाँ
लगातार यहाँ छापे मारने काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे नेताओं के यहाँ हमारे छापा डाले, विधायकों के यहाँ, पार्टी संगठन के लोगों के यहाँ, लेकिन ईडी ये नहीं बता पाई कि उसके यहाँ पैसा कितना मिला। मैंने कहा कि भाई उसको तो उजागर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मैंने होम मिनिस्टर को पत्र लिखा और जो ईडी डायरेक्टर उसको भी चिट्ठी लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया केस ये है कि जितने भी चीट कंपनियां हालांकि देश भर में है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 6,000 करोड़ रुपया वो लूट के भाग गए आम जनता से। उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, सरकारी कर्मचारी भी हैं, व्यवसायी भी हैं, सबको पैसा लेके भाग गए। अब कहीं कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, तो पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों से लेके गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यही था। तो मैंने कहा उसको जांच करिए आप, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पुराने और केसेस थे जिसके बारे में मैंने पत्र लिखा, लेकिन उसकी भी जांच नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उसे बदनाम करे। किसी अधिकारी ने बातचीत के दौरान कहा भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी के भरोसे ही चुनाव लड़ना चाहती है? तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि हम यहाँ कमजोर हैं, और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करके, नेताओं को बदनाम करके हम चुनाव जीतना चाहते हैं। जी अच्छा, सीएम साहब एक अंतिम सवाल ले रहा हूँ आपसे। नक्सलियों को लेकर लगातार बात होती थी, छत्तीसगढ़ का मतलब ही नक्सली शब्द सामने आ जाता था, आज उसे लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक समय था आज से 4-4.5 साल पहले, जी लोग यही मानते थे, यहाँ रायपुर में के लोग या सरगुजा के लोग बस्तर जाने से डरते थे जी, और छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग छत्तीसगढ़ आने से डरते थे कि हम एयरपोर्ट से निकलेंगे और नक्सली हमको धर दबोचेगा जी, ये छवि बनी थी। लेकिन आज जिस प्रकार से किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके कारण से नक्सली बहुत पीछे हटे। जहां नक्सली क्षेत्र है वहां हम लोगों ने नारा दिया कि विश्वास, विकास और सुरक्षा। तो विश्वास हमने जीतने काम किया, विकास हमने की, और लोग उससे सुरक्षा भी हम लोग प्रदान किए। तो नक्सली अब बहुत पीछे हट गए हैं, करीब 550-600 गांव खाली हो चुके हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि भी कुछ घटनाएं घटी है पिछले दिनों, जिसमें 10 जवान शहीद हुए और एक नागरिक भी उसमें उसकी मौत हुई है। तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन घटनाओं में भी कमी आई है, और जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ काफ़ी कुछ सुविधाएँ भी बढ़ी है, लोगों को लाभ हुआ है, और लोग अब सरकार से जुड़ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, ये बड़ी बात। जी, मुख्य धारा से जुड़ना भी चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छत्तीसगढ़ के किसानों को? युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें पिछले समय जो हाई कोर्ट ने पुरानी जो व्यवस्था थी उसको निरस्त कर दिया था, आरक्षण की व्यवस्था को, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नई भर्ती की शुरुआत हुई है। आज ही CSEB में भर्ती निकला है, आने वाले दो तीन दिनों में बहुत सारे विभागों से वैकेंसी निकलेगी। हमारे जितने भी जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं विभिन्न विभागों में, उनके लिए एक अच्छा अवसर है, वो अच्छे से तैयारी करें और पास हों, मेरी उनकी शुभकामना है, ताकि शासकीय नौकरी भी मिले। नौजवानों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हमने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी खोला है, शहरी क्षेत्रों में भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो रोजगार के नए अवसर भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हमने की है, तो हर व्यक्ति को रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास है। अभी 30 अप्रैल को ही करीब 67,000 नौजवानों को 16 करोड़ से अधिक राशि, हर नौजवान को 2,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला हम लोगों ने किया है। किसानों ने, अन्नदाताओं ने जो मेहनत की है और उसके कारण से देश में आज अनाज की कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान है। हमारे अन्नदाता लगातार खेतों में मेहनत करके जो उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे अब यही कहूँगा कि अब हम चूंकि वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो जैविक खेती की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। देश में जो रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के कारण से अनाज है, फसल है या फल सब्जियां हैं,
लगातार जहरीली होती जा रही है, उसके कारण से अनेक बीमारियां होती है, इसको यदि छुटकारा पाना है तो निश्चित रूप से जैविक खेती की तरफ हमको आगे बढ़ना होगा। तो जैसे इंदिरा जी के समय हरित क्रांति का नारा उन्होंने दिया और जहाँ देश में अनाज की कमी होती थी, आज अनाज की कोई कमी नहीं है, जबकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, आज से अरब 4 गुना 5 गुना जनसंख्या होने के बाद भी अनाज की कोई कमी नहीं है। तो आज हम लोग जैविक खेती, शुद्ध अनाज, फल सब्जी आम उपभोक्ताओं को मिले, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है और इस दिशा में आगे बढ़ना है। जी चलिए, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब जी। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनसे बहुत सारी चीज़ें जानी, युवाओं की बात भी की, किसानों की बात भी की, आदिवासी क्षेत्र की बात भी की, नक्सली की बात भी की। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी किसी हस्ती के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।